हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 2019 डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला वीडियो है, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो आपका क्या लगेगा जरूरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही रहा तो आपको एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, कल कब से शुरू होगा डायरेक्ट एडमिशन, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आप जानते हो, आज 11 है और कल 12 से स्टार्ट हो जाएगा आपका डायरेक्ट एडमिशन, और 5 दिन का बस आपको मौका मिला है, उसी के बीच में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है कि प्रदेश के समस्त जनपदों के राजकीय निजी एवं संस्थानों के रिक्त सीटों की सूचना वेबसाइट updl.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। ये 2018 में ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बता रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कमेंट्स यही था कि डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे हमें पता चलेगा कि कितनी सीटें खाली है, ठीक है। तो उसी के आधार पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो एक तो वेबसाइट हो गया updl.gov.in, और एक और वेबसाइट है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वो वेबसाइट का नाम है updl.portal.in, ठीक है। आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। वो जो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप सिंपली बहुत ही आसानी से आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए देख सकते हो कि किस जिले में कितने प्राइवेट सीटें या डायट सीटें खाली हैं, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रोसीजर 2018, ठीक है, यहाँ 2018 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसलिए 2018 लिखा है, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ 2018 क्यों लिखा है। 2019 के माध्यम से वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन करवाया था यूपी डीएलएड के लिए। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो। जिस किसी स्टूडेंट ने डायरेक्ट एडमिशन करवाया है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया है, वही डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं। तो फर्स्ट में आपका यही रहेगा कि आपका जो जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उस टाइम आपको एक उसका फोटोकॉपी मिला होगा, ठीक है। तो वो आपको चाहिए एक, उसके बाद आपको हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन तीनों का चाहिए, और तीनों आप तीन तीन फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको दो फोटोकॉपी फाइल जमा करना होगा और एक रियल वाला, तो आपको चार चार करवा लेना है, ठीक है। क्योंकि एक आप मतलब आपके पास रहेगा और तीन कॉलेज में जमा हो जाएगा, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कुछ जमा हो जाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपके पास जाति और निवास होना चाहिए। आय नहीं लगता है, जाति और निवास लगता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका 3 साल के अंदर रहेगा, ठीक है। वो आपका अगर पुराना भी है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तीसरा आपका स्टेप यह है कि आपका जो शपथ प्रमाण पत्र होता है, ये मेन रोल है इसमें, तो आपको 10 रुपए का शपथ प्रमाण पत्र बनवाना होगा, आपके कचहरी या तहसील में बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डीडी का। तो डीडी तो आप जानते हो कि इसके थ्रू हम कैश देते हैं, तो अगर आप चाहो तो डीडी बनवा सकते हो, या फिर आप कैश भी दोगे तो कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप डीडी ही बनवाकर उनको दो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट उतना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं बन रहा, अगर आपके पास है तो लेकर जाओ, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो फिलहाल इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर इतने सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हो कि और क्या इसमें नोटिफिकेशन, मतलब 2018 में जब डायरेक्ट एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो और क्या सब बातें इसमें कही गई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं। तो
तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि थर्ड नंबर में क्या लिखा गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2019 के द्वितीय फेज टू के द्वितीय राउंड में समस्त पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर आरक्षित विशेष आरक्षण की श्रेणी रिक्त सीटों को सामान्य श्रेणी की सीट पर परिवर्तित की जाएगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मतलब अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी की श्रेणी में आप आते हो तो वो सीटें आपकी चेंज करके और जनरल की कैटेगरी में कर दी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब जनरल की कैटेगरी में हो जाएगी तो फिर आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि प्रदेश के समस्त राजकीय निजी संस्थानों में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश की अनुमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण संस्थान डीएलएड प्रशिक्षण 2019 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले स्टेट रैंक एक से जितना मतलब आपको पता होगा कि आपको कितना रैंक था उसके बीच में अभ्यर्थी जिनका प्रवेश नहीं हुआ है वही समस्त सीटों के देखिए यहाँ लिखा गया समस्त सीटों को जनरल मानते हुए सीटों पर सीधे प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी। और यहाँ देखिए फीस संबंधित पूरी जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु शुल्क डायट हेतु 10,200 तथा निजी संस्थानों में 41,000 जमा कराते हुए सीधे प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप मतलब अलॉटमेंट लेटर के लिए आप जब मान लो आपको डायट कॉलेज मिला था तो आपने 10,000 रुपये का भुगतान किया था। ठीक है, अगर डायट या फिर प्राइवेट कॉलेज तो आपको जब एडमिशन ले रहे थे तो जो आपका जो रुपये बच जाता था डायट कॉलेज में 200 प्राइवेट कॉलेज में 31,000 तो वो आपको जमा करना होता था। तो अब इसमें क्या होगा कि आपको जितने भी आपके मतलब पैसे लगेंगे 41,000 10,200 वो एक साथ ही लगेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं और ज़्यादा पैसा भी मांग रहे हैं, ये भी आई थिंक आपको पता होगा। लेकिन इसमें ये कोई नियम नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा कि आगरा की इतनी सीटें खाली हैं कि प्राइवेट कॉलेज वाले मात्र 10,000 रुपये में सब कुछ एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि उनको सीटें भरना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो बहुत 41,000 से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो अब कोई क्या कर सकता है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है पूरा इन्फॉर्मेशन, मैं कल जैसे ही इन्फॉर्मेशन और चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका कल कब जारी होगा मतलब नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन कल 12 बजे के बाद ही जारी होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सुबह में आप चेक करोगे कि डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, तो 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा हम आपको इन्फो जरूर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपका डायरेक्ट एडमिशन का फुल प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, फिलहाल अभी आपको यही सब कुछ देख लेना है, तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड सी यू अगेन।